आबकारी विभाग की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। 475 पेटिया शराब की जब्त। ट्रक और चालक सहित एक अन्य गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध शराब की कीमत। झुंझुनू आबकारी विभाग ने आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाई जा रही 475 अवैध शराब की पेटियों से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। आबकारी विभाग के धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि डीओ सुमेर सिंह मीणा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक में 475 अवैध शराब की पेटियां थी जो करीब 35 लाख रुपए की थी। इस दौरान ट्रक को जब्त किया गया जो हरियाणा से गुजरात शराब लेकर जा रहा था। इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो जोधपुर के रहने वाले हैं। आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अपने झुंझुनू पीओ अपने आयुक्त जोगाराम की निर्देश अनुसार एसी और एससी साहब के निर्देश अनुसार डीओ सुमेर सिंह मीणा के नेतृत्व में हमने सुबह नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेला गुजरता दिखाई दिया, रोका, हमने चेक किया तो उसमें हमारे को करीबन 475 लगभग दारू ये पेटियां फरमा गई। ये करीबन 35 लाख लगभग कीमत है इसकी। तो सर ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये हरियाणा से ला रहे थे और गुजरात में ले जा रहे थे। सर कोई गिरफ्तारी इसमें? हाँ, इसमें दो गिरफ्तार किए हुए हैं। ये तो ड्राइवर को, एक वाहन चालक को।